अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सिवान सेवा विभाग द्वारा निरंतर सेवा कार्य चल रहा है। कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी में निरंतर राशन वितरण, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन रिफिलिंग, दवा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में सेवा इंटरनेशनल संस्था द्वारा सेवा विभाग सिवान को 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीमीटर, PPE किट, धूपबत्ती, मास्क, सैनिटाइजर आज प्राप्त हुआ, जिससे सेवा कार्य को गति मिलेगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिवान गांधी मैदान स्थित संघ कार्यालय पर रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क उपयोग के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांत संपर्क प्रमुख रविंद्रनाथ पाठक तथा विभाग प्रचारक रोशन कुमार ने इसके लिए सेवा इंटरनेशनल को धन्यवाद दिया। श्री पाठक ने कहा कि विगत 1 साल से इस महामारी में स्वयंसेवक लगातार सेवा कार्य में तन मन धन से लगे हुए हैं और आगे भी ऐसी परिस्थिति आती है तो संघ के स्वयंसेवक तैयार रहेंगे। बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक जनमेजय कुमार ने कहा कि संघ परिवार के सभी कार्यकर्ता लगातार जरूरतमंद पीड़ित परिवार के सेवा में लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिवान के जिला सेवा प्रमुख अमित कुमार सिंह ने कहा कि हम लोग लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिलिंग कराकर सिलेंडर उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन रिफिलिंग में समस्या आती थी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हो जाने से रिफिलिंग की समस्या नहीं आएगी। किस तरह की व्यवस्था है और कहां से आई और क्या इसका उपयोग सही तरीके से होगा? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का परिचय सारी दुनिया की नजर में मात्र शाखा लगाने से है। अन्य अनेक कार्य करते हैं, ये भी ध्यान में रहे। जब युग में नई तरह की समस्या आती है, जैसे इस रोगी में आया कि निगेटिव होना ही बड़ी बात हो गई, उसी प्रकार अपने लोग भी अपने लोगों के पास नहीं जा पाते थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने जितना अच्छा सेवा कार्य किया देश भर में कि उससे प्रभावित होकर सेवा इंटरनेशनल ने इस विभाग केंद्र को ये सेवाएं प्रदान की हैं, ये सारे उपकरण, ताकि जिस किसी को भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो ये साधन और सुविधा के अभाव में कोई मृत्यु की ओर नहीं बढ़ जाए। तो ये ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, जो किट PPE किट्स हैं, ये सारी चीज़ें अब यहाँ रहेंगी। जिस किसी को भी ऐसी आवश्यकता होगी तो एक प्रमाणिक दूसरा कोई सहयोगी हो, ताकि जाने के बाद हम लोगों ने अमित जी के ऑक्सीजन सप्लाई में महसूस किया कि मरीज ठीक हो गया और सिलेंडर ऑक्सीजन का रुका रह गया, उनको लगता था फिर जरूरत होगी तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो इसके लिए समाज की जो समस्या खड़ी होती थी, तो वहाँ जिसको भी आवश्यकता होगी वहाँ एक ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत होगी जो उनका कार्य समाप्त होते ही इसको वापिस आ जाए, ताकि समाज में अगले आवश्यकता की जो व्यवस्था है जी। और मरीज के पास कैसे होगा, आप लोगों के थ्रू जाएगा या डॉक्टर के थ्रू जाएगा या किसी? ना, डॉक्टर बताएगा कि उनको जरूरत है। हाँ। तो कोई एक ऐसा परिचित आदमी चाहिए जो संघ कार्यालय के किसी व्यक्ति को जानता हो, ताकि कार्य संपन्न होने के बाद सामग्री वापिस आवे। ये जनता की सेवा के लिए है, न बेचने के लिए है, न किसी को डोनेट करने के लिए है। लोग कैसे पहुंच पाएंगे, कहां रखा जाएगा? तो इसीलिए आप लोगों का सहयोग लिया जा रहा है कि इसको प्रचारित करें। किसी को आवश्यकता हो हाँ, तो आपसे संपर्क करेंगे या यहाँ संघ डॉक्टर उनको कह देगा तो संघ कार्यालय पर यहाँ जो विभाग अपने प्रचारक हैं उनको, प्रभात जी को जो विभाग कार्यवाह है, ऐसे किसी व्यक्ति को संपर्क करेंगे, जो सुविधा उपलब्ध होगी वो लोगों के जीवन रक्षण के लिए मिलेगी। कहाँ कहाँ तक होगी ये सिवान? ये विभाग केंद्र है सिवान, और ये जितना सामग्री है केवल सिवान जिला के लिए है। दूसरे जिला में व्यवस्था हुआ है, और ये पूरे सिवान जिला में अगर किसी को वैसे सामग्री की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे संपर्क करेंगे। अपने जिला कार्यवाह हैं, अपने जिला सेवा प्रमुख हैं, नगर कार्यवाह हैं, नगर सेवा प्रमुख हैं, यदि और हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं उनके मार्फत से हमारे संघ कार्यालय पर संपर्क करेंगे, उनको सामग्री दी जाएगी। क्या कुछ आया है यहाँ पे, किस तरह का क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आया है जो ऑक्सीजन को जनरेट करके और सप्लाई करता है, वो है PPE किट है और पल्स ऑक्सीमीटर है, ऐसा सामान यहाँ पे आया है। अगर किसी मरीज को आवश्यकता हो
तो कैसे संपर्क करें? जैसे अपने विभाग कार्यवाही ने प्रभात रंजन जी ने आप सबको ये बताया ही है कि संघ कार्यालय पर ये सारी इक्विपमेंट्स जो है उपलब्ध है और ये समाज सेवा के लिए है। नर सेवा नारायण सेवा, हम सेवा भाव से संघ का काम चलता है। तो समाज के अभी इस कोरोना काल में संघ के कार्यकर्ता विशुद्ध प्रसाद बजर संघ के जितने अनुसांगिक संगठन है कहीं ना कहीं सेवा भाव से काम कर रहे थे। आपने देखा होगा मीडिया का माध्यम से कि लाश उठाने वाला कोई नहीं है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता जाकर के पीपीटी किट पहन करके उस लाश को जलाने तक का काम किया है, घर में दवा देने का काम किया है। तो ये प्राणवायु जो है ऑक्सीजन जनरेट करने का ऑक्सीजन कंसुलेटर आया है, 4 है, इस जिले केंद्र पर रहेगा। किसी को जरूरत होगा संघ के कार्यकर्ता के संपर्क के माध्यम से यहाँ आ करके उनको ऐसी व्यवस्था उनके घर तक ले जा करके डॉक्टर के सलाह के हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाएगी। हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से ये सिवान नगर और सिवान जिले के आम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऑक्सीजन के बिना मरे नहीं, किसी भी दवा के बिना मरे नहीं, उसके लिए हम संघ के कार्यकर्ता सब तत्पर है आपकी सेवा के लिए। इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आपसे निवेदन है कि इस विषय को नीचे स्तर तक सामान्य सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम करें। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई पीएमटी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोर सिवान और दूसरा ब्रांच है वीएमएचई स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और सीबीएसई बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।